Now, student, we will do the exercise of the chapter 4. So, let's start. The first question is, take the correct option. Which of the following is a winter crop? Wheat, maize, paddy, groundnut. Your right answer is wheat. Student, wheat is a winter crop because we grow wheat in the winter season. Okay, now, the next is, which one of the following tool is not used in the preparation of the soil? कौन सा इसमें से ऐसा टूल है जिसको हम सॉइल प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं? हो, लेवलर, कल्टिवेटर, सीड ड्रिल. द राइट आंसर इज स्ट्रेंथ सीड ड्रिल. स्ट्रेंथ हो, कल्टिवेटर, लेवलर, ये सारे जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में रिक्वायर्ड होते हैं. एंड सीड ड्रिल ये जो है वो सोइंग मैथड के लिए यूज होता है, इसमें से हम बीज बोते हैं. So the right answer is seed drill. The large scale watering of plant is called. Large scale पर plant को water करना, एक दो plant की बात नहीं कर रहे हैं हम, overall large scale की बात कर रहे हैं. Winnowing, transportation, germination, irrigation. The right answer is student irrigation. Irrigation का means होता है it is a process of watering the plants at regular interval at large scale. Large scale पर पानी देना पौधों को irrigation कहलाता है. The process of separating grains from the chaff is known as threshing, winnowing, harvesting, weeding. Process of separating grains को separate करने वाले जो process होते हैं उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? Winnowing बोलते हैं. Because threshing में होता है कतरना, harvesting कटाई करना, weeding उसमें से plants जो unwanted plants होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं के खेत में बथुए का पौधा अपने आप उग जाता है. So that is the weed. तो आंसर आपका क्या है? द राइट आंसर इज स्टूडेंट विनोइंग प्रोसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? हार्वेस्टिंग, सोइंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स खेती से जुड़ी हुई इसमें से कौन सी ऐसी नीति नहीं है. तो हार्वेस्टिंग क्या है स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है फसल को काटना, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना, प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, उसको फसल को बचा कर रखना. एफॉरेस्टेशन इट इज़ अ प्रोसेस स्टूडेंट इन विच वी प्लांट द ट्री. हम पौधों को लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं. तो पौधे लगाना वो एफॉरेस्टेशन कहलाता है, बट वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नहीं आता है. बिकॉज एफॉरेस्टेशन में जो हम प्लांट्स लगाते हैं दैट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे विल गिव अस द ईल्ड. जरूरी नहीं कि हमें उनमें से पैदावार मिलेगी, हम वो किसी भी पर्पज से लगा सकते हैं. आपने देखा होगा रोड साइड पे भी होते हैं, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. वीट एंड राइस आर कॉल्ड सीरियल क्रॉप्स बिकॉज हमें इनमें ये अनाज है, सो दैट्स वाई दे आर सीरियल क्रॉप्स. सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग द सीड. आई हैव टोल्ड यू बिफोर फ्यू मिनट्स अगो दैट सीड ड्रिल जो प्रोसेस होता है उसमें सीड्स को बोने के लिए यूज होता है. सीड ड्रिल में एक इस तरीके से बार लगी होती है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें से पाइप्स वगैरह हैरो वगैरह से अटैच होता है, एंड फनल शेप होती है यहाँ पे, और इस फनल से जब हम सीड्स डालते हैं तो वो आकर डिफरेंट डिफरेंट इसमें जाता है, एंड देन वो इन मतलब प्रॉपर गैपिंग से डाला जाता है, सीड्स बो दिए जाते हैं, तो सीड ड्रिल उसे कहते हैं. खरीफ क्रॉप आर सोन इन रेनी सीजन. खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में बोते हैं. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स, यू नो द फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं. दे आर नॉट द ह्यूमन सॉरी दे आर नॉट दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द डोमेस्टिक, मीन्स घरों में नहीं बनाए जा सकते हैं, बिकॉज इनके लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज ऑलरेडी दैट वी कैन गेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज. The before storage excess dust must be removed from the food grains. storage करने से पहले, grains को store करने से पहले हमें उसमें से क्या निकालना होता है? Moisture, because अगर उसमें moisture होगा तो वो सड़ जाएंगे. Now the next is true false. Right, true and false. Plugging causes soil erosion. Plugging से क्या होता है स्टूडेंट? Soil erosion होता है. ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हम फील्ड को क्यों प्लग करते हैं? बिकॉज फील्ड को प्लग करने का मतलब ये है कि उसमें स्टूडेंट हमें बीज को बोना होता है, एंड जब हम उसमें बीज को बो देते हैं तो जो पौधे होते हैं वो उनकी रूट्स को बाइंड कर लेते हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है. बट अगर हम प्लग करके फील्ड को छोड़ देते हैं तो सॉइल इरोजन होता है. सो प्लगिंग कॉजेज सॉइल इरोजन. ट्रू. फर्टिलाइजर्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर.
फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है? नो स्टूडेंट, बिकॉज मैन्यूर आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं डिकम्पोजेबल होते हैं, बट फर्टिलाइजर्स आर नॉट द डिकम्पोजेबल, मीन्स बहुत टाइम टेकन होते हैं. सो नेक्स्ट इज द रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. तो रियरिंग ऑफ फिश को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं? नो स्टूडेंट, रियरिंग ऑफ फिश को हम पिसीकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. विनोइंग कैन बी डन बाई अ कंबाइन और हार्वेस्टर. विनोइंग, विनोइंग मीन्स होता है, विनोइंग वर्ड विंड से रिलेटेड है. तो इसमें हवा के थ्रू क्या करते हैं, बाई एयर हम ग्रेन्स को शेप से अलग करते हैं. सो इट इज़ नॉट डन बाई द हार्वेस्टर और कंबाइन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. येस, एनिमल हस्बेंड्री एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग करते हैं, जितने भी हम जानवर पालते हैं उनकी, किस लिए? फॉर यूजफुल पर्पज, उनमें से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट लेने के लिए. नाउ द वन वर्ड आंसर, द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग विंटर, क्रॉप जो विंटर के सीजन में ग्रो की जाती है, दैट इज नोन एज रवि क्रॉप. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप, क्रॉप से जब वीड को रिमूव करते हैं, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नोन एज वीडिंग. अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉयल इज फर्टिलाइजर्स. मैन मेड भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉयल को, सो इसीलिए दैट इज फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक है. रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, जानवरों को पालना एंड प्लस में स्टूडेंट उनमें से क्या करना, हमें उसमें से क्या लेना है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को लेना है लार्ज स्केल पर, तो दैट इज नोन एज द डेयरी फार्मिंग. स्केटरिंग ऑफ सीड्स बाई हैंड फॉर सोइंग इन द सॉइल, सीड्स को बोना किसमें, खेतों में, वो भी हैंड से, हाथों के द्वारा, तो दैट इज नोन एज मैनुअल सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग मैथड. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, बट यू हैव टू डू दीज answers in your fair notebook with questions. Take care.